डू यू नीड टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड टू रीड मोर बुक्स? नो। इस वीडियो में मैं आपको एक रीडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ, और उस रीडिंग स्ट्रैटेजी की वजह से आई रीड एट अ वेरी कंफर्टेबल पेस एंड आई मैनेज टू फिनिश वन बुक एवरी वीक, दैट इज 52 बुक्स पर ईयर। I've been asked these questions many times कि how can I read more books? How can I increase my reading speed? मेरा हमेशा यही आंसर होता है कि don't try to read faster, try to read in a way that you can absorb more from a book. जल्दी पढ़ने से अच्छा है बुक को ऐसे पढ़ो कि आप उस बुक से ज्यादा सीख सको। I am a slow reader और मैं सिर्फ 30 pages पर आ रही ही पढ़ पाता हूँ। ये slow reading habit मुझे बहुत annoy करती थी because I used to finish only one or two books every month. क्योंकि मैं एक बुक को सिर्फ दिन में एक बार ही पढ़ता था एंड दैट टू जस्ट फॉर 30-40 मिनट्स मैक्स। तो लास्ट 4 इयर्स में मैंने बहुत सारी रीडिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई करी टू रीड फास्टर एंड टू रीड मोर बुक्स। व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग फास्टर आई नोटिस कि मैं सिर्फ बुक्स खत्म कर रहा हूँ विदाउट एब्जॉर्बिंग एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई यूज टू। तो मैंने रियलाइज किया कि रीडिंग फास्टर इज नॉट रियली दैट हेल्पफुल। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि इफ आई कांट रीड फास्टर देन मुझे दिन में अपने रीडिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। सो नाउ आई स्टार्टेड रीडिंग द सेम बुक 3 times अ डे एंड दिस रियली इंक्रीज्ड माय रीडिंग कैपेसिटी। बट देन एक और प्रॉब्लम आई, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक जो कि बहुत बोरिंग होती थी उसको मैं बीच में ही छोड़ दिया करता था। फिर मैं कोई नई बुक भी स्टार्ट नहीं कर पाता था बिकॉज मेरे दिमाग में होता था कि आई नीड टू फिनिश दैट प्रीवियस बुक फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बुक। दिस इज व्हाट वी कॉल अ रीडर्स ब्लॉक, जो हर एक रीडर फेस करता है। दिस यूज टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई हैड टू पुश माई सेल्फ टू रीड रादर देन एंजॉय रीडिंग। तो मुझे अपने आप को रीडिंग के लिए फोर्स करना पड़ता था। तो मैंने अपनी रीडिंग स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव किया। इस न्यू स्ट्रैटेजी को बताने से पहले लेट्स टॉक अबाउट अ टिपिकल डे इन एन इंडियन हाउसहोल्ड, बिकॉज इंडियन लाइफस्टाइल ने मेरी रीडिंग स्ट्रैटेजी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो हाउ डज अ टिपिकल डे इन एन इंडियन हाउसहोल्ड लुक्स लाइक? हम पहले सुबह उठते हैं एंड देन वी प्रे। उसके बाद हम या तो स्कूल जाते हैं या फिर काम पर जाते हैं। स्कूल में जाते ही सबसे पहली चीज हम मॉर्निंग प्रेयर्स करते हैं, और ऐसे ही मेरे डैड जब अपनी शॉप पर जाते हैं सुबह सुबह वो भी सबसे पहले शॉप पर प्रे करते हैं। उसके बाद अ डे स्टार्ट। स्कूल में वी स्टार्ट स्टडिंग मेंटली डिमांडिंग सब्जेक्ट्स जिसकी वजह से वी गेट इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड। वी लर्न ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड थ्योरीज ड्यूरिंग द डे। ऐसे ही अपने बिजनेस या शॉप पर वी डू मेंटली चैलेंजिंग टास्क ड्यूरिंग द डे। फिर आर डे एंड्स विद एन इंडियन टीवी ड्रामा, और रात को हम कोई ना कोई स्टोरी देखकर सोते हैं। मैंने इसी लाइफस्टाइल को एज इट इज अपनी रीडिंग स्ट्रेटजी में कॉपी कर लिया। सो माय डे स्टार्ट्स बाय रीडिंग अ मोटिवेशनल और अ स्पिरिचुअल बुक्स फॉर 30-40 मिनट्स एवरी मॉर्निंग। जैसे कि आजकल मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी रीड कर रहा हूं एज माय मॉर्निंग बुक। देन ड्यूरिंग द डे आई रीड समथिंग नॉन फिक्शन व्हिच टीचेस मी समथिंग न्यू एंड स्टिमुलेट्स मी इंटेलेक्चुअली। जैसे आजकल आई एम रीडिंग द प्रैक्टिस बाय सेथ गॉर्डन, जो आपको अपनी क्रिएटिविटी को अपने प्रोफेशन में चेंज करना सिखाती है। ऐसे ही रात को आई रीड अ स्टोरी आइदर थ्रू अ फिक्शन बुक और थ्रू अ बायोग्राफी। दीज डेज आई एम रीडिंग बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट थे। ये रीडिंग पैटर्न मेरे पूरे डे को एक रिदम देता है। माय डे स्टार्ट्स ऑन अ पॉजिटिव नोट थ्रू अ मोटिवेशनल बुक एंड ड्यूरिंग द डे आई लर्न समथिंग न्यू एंड आई एंड माय डे विद एन इंस्पायरिंग स्टोरी। ऐसे रीड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि यू डोंट फेस द रीडिंग ब्लॉक, जो मैं पहले फेस करता था एक बुक से बोर हो जाने के बाद। अब पूरे दिन में आई गेट अ वैरायटी इन रीडिंग, जिसकी वजह से आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी बुक दैट आई रीड ड्यूरिंग द डे। सेकंड मेजर बेनिफिट है कि इट हैज मेड मी डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 3 times अ डे। तो ड्यूरिंग द वीक इन तीनों में से कोई ना कोई बुक ऐसी होती है जिसको मैं 30-40% रीड कर चुका होता हूँ। सो ऑन माई वीकेंड, जो मेरी 3 times अ डे पढ़ने की आदत है, उसमें मैं उस 30-40% बुक को 3 बार पढ़ के पूरा फिनिश कर देता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से मुझे अपनी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज नहीं करनी पड़ती एंड आई गेट टू रीड अ वैरायटी ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द वीक। अगर आप 3 times अ डे रीड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्राई रीडिंग 2 times अ डे एंड ट्राई टू रीड 2 different बुक्स। तो इस वजह से आप कभी भी रीडर्स ब्लॉक फेस नहीं करोगे बिकॉज यू विल ऑलवेज बी रीडिंग समथिंग न्यू। अगर आप 2 times अ डे ट्राई कर रहे हो रीड करने का, तो ट्राई टू रीड इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, क्योंकि ये दोनों टाइम्स ऐसे होते हैं कि इन टाइम पे हम जो भी बुक रीड करते हैं वो हमारे दिमाग पे एक बहुत डीप इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप सुबह सुबह सोशल मीडिया पे कोई सॉन्ग सुनते हो तो वो सॉन्ग पूरे दिन आपके दिमाग में रहता है। ऐसे ही जब आप रात को कोई टीवी सीरीज देखकर सोते हो तो उस टीवी सीरीज से रिलेटेड आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो आवर माइंड्स आर वेरी इंप्रेशनेबल ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड नाइट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी रीडिंग स्ट्रैटेजीज है जो कि आप जिम क्विक एंड थॉमस फ्रैंक जैसे यूट्यूबर्स से सीख सकते हो। बट आपको ये याद रखना है कि आपके माइंड को और आपके रूटीन को आपसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं जानता। सो डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ एंड ट्राई टू एडजस्ट योर रूटीन बाय एक्सपेरिमेंटिंग लाइक आई डिड।
एंड रिमेंबर, आपका एम ज्यादा बुक पढ़ना नहीं, ज्यादा बुक एब्जॉर्ब करना होना चाहिए। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी रीडिंग।